नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेंसुरेशन से संबंधित पहला वीडियो मैंने आप सभी के समक्ष लाया था, उसका दूसरा पार्ट है। इसको शुरू करने से पहले छोटा सा मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए, जो कि आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाता है। तो एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम लोग मेंसुरेशन के भाग दो का आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि कल यहाँ तक हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया था, आज हम लोगों ने देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में पहला है यानी कि समकोण त्रिभुज। यानी इस त्रिभुज के प्रकार में मुख्य रूप से जो जितने आपके कंपटीशन में यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं, वहाँ वहाँ चीज़ों से मैं आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज, फिर इसके अलावा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सब का हम लोग अलग अलग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और फिर इसके बाद से हम कुछ इन पर बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बने हैं, उनका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है समकोण त्रिभुज की? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण, अभी मैं इमेज भी आपको दिखाऊंगा, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, देखिए मैंने त्रिभुज न लेकर के यहाँ ट्रायंगल का फिगर ही मैंने बना दिया है ताकि इसे आप समझ लेंगे, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज को यहाँ पर देख लीजिए कैसा होता है। ये हो गया एक इमेज, ठीक, ये हो गया त्रिभुज। इसमें मान लीजिए भुजा ए है, ये बी है, ये एंगल ए, एंगल ये बी और ये एंगल सी। यहाँ पे जो एंगल बी है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको कहा गया कि एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है। यानी ए बी सी ये तीन आपके कोण हैं, इसमें से जो कोण बी है इसका मान जो है यानी कि कोण बी इक्वल यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब आइए इसके बारे में दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर टू। इसमें देखिए क्या है कि इसका, अब हम लोग देखते हैं कि इसका, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया इक्वल टू, तो एरिया इसका होता है 1/2 गुणा यानी आधार, यानी इसका जो बेस होता है आधार गुणा ऊंचाई होती है। देखिए ऊंचाई या ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसको लंब भी लिख सकते हैं, लंब या इसकी ऊंचाई, तो ये होता है इसका क्षेत्रफल। यानी इसके द्वारा इस त्रिभुज का हम लोग ने संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो 1/2 आधार, आधार क्या है इसको लिख सकते हैं 1/2, और आधार के कौन से भुजा है यानी ए बी, और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी बी सी।
तो ये इससे हमारा एरिया जो है निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि परिमाप, तीसरा पॉइंट है इसका परिमाप, यानी कि संपूर्ण त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर। तो देखिएगा परिमाप निकालने का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या परिमाप 2s इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें कितनी भुजाएं, एक दो तीन, तीन भुजाएं। अच्छा ए बी भुजा को मान लीजिए इसकी लंबाई a है, बी सी भुजा की लंबाई b है और ए सी भुजा की लंबाई को c मान लिया जाए, तो तीनों भुजाओं का योग यानी ए बी c, ये इसका हो जाएगा परिमाप। अब चूंकि यानी इसके द्वारा इससे त्रिभुज का यानी संपूर्ण त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। दूसरी बात, अब अगला एक पॉइंट है कि संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय भी लागू होता है, ठीक है। तो ये कैसे है, तो देखिए उसको मैं आपको बता रहा हूँ, यानी पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस, देखिए वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ हैं जिन्होंने प्रूव करके इसको दिखाया था, पाइथागोरस का, उन्हीं के नाम पे पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है तो देखिए, ये क्या है भुजा, इसकी कर्ण है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये इसका कर्ण हो गया, यानी कि जो कर्ण है, जो इसका हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर शेष, इसकी जो दो भुजाएं हैं कौन सी, ए बी और बी सी, यानी इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर, इसके यानी कि लंब, इसके वर्ग के और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय है, यानी कि यह समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अगला पॉइंट एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वो इस परिवर्ती प्रश्न ही पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं उसको पॉइंट को नोट करा देता हूँ, क्योंकि सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या इस कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। अब ये कैसे है, देखिए जैसे मैंने आप पे आपको बताया था समकोण त्रिभुज, ये इसका कर्ण है, तो कर्ण का जो आधा होता है इस परिवृत्त, यानी इसका जो आधा करेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, यानी ये जो टोटल इसका कर्ण है, इस कर्ण का ये आधा हो जाएगा, तो ये इसके त्रिज्या का काम करेगा और इसे लेकर के जो हम वृत्त बनाएंगे तो इस समकोण त्रिभुज का परिवृत्त बनेगा, ये समकोण त्रिभुज का ऐसे परिवृत्त बनेगा, ठीक, यानी कि ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी जो परिवृत्त की त्रिज्या है ये इस कर्ण की आधी होती है, ठीक। देखिएगा अगला पॉइंट है समद्विभाव त्रिभुज, हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा, फिर दूसरा हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज देखा, और अब हम लोग देखेंगे समद्विभाव त्रिभुज, ठीक है, समबाहु, उसके बाद समद्विभाव त्रिभुज। अब सम, देखिए सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो क्या होंगे, समद्विभाव त्रिभुज होगा, ठीक है। तो जैसा कि पहला पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कि समद्विभाव त्रिभुज, यानी कि ऐसे लिखते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, वो क्या कहलाता है, समद्विभाव त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। बस दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, अब देखिए हम इस त्रिभुज को बना करके आपको समझा देते हैं,
जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा ये भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गए, तो बराबर है तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और इसके आधार पर मिलाने वाली कोई दूसरी भुजा है जो कि इसके बराबर नहीं, ये अलग है, इस भुजा का नाम रख लेते हैं बी। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, ये हो जाएगा भुजा ए, ये भुजा हो जाएगा ए, क्योंकि ये भुजा इसके क्या है बराबर है, तो दो भुजा बराबर हो गई, तीसरी भुजा अलग हुई इस क्या हो गई बी नाम से, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये ए होगा तो ये भी भुजा ए होगी, ये अलग दूसरी भुजा है भी, तो ठीक है चूँकि यह सम द्विभाव है तो दो भुजा बराबर, तो ए और ये दो भुजा बराबर और ये तीसरी भुजा बी हो गई। ठीक है, अच्छा जब ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके बीच से जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम डालेंगे तो ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो जब ये दो बराबर भागों में बांटेगा ये बी है तो ये बी का आधा हो जाएगा और ये इस बी का आधा हो जाएगा, यानी बी बाई टू ये दूरी और बी बाई टू ये दूरी, टोटल दूरी बी है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका हम नाम रख लेते हैं यच, मतलब ये हाइट का काम करेगा, ऊंचाई। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमने बताया कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों समद्विभाव त्रिभुज कहलाता है। दूसरा पॉइंट कि जब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाला तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, इस साइड भी 90 डिग्री होगा, तो जब 90 डिग्री होगा तो हमने ये देखा कि जब ये कोण 90 डिग्री तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज का नियम लागू होता है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का नियम लागू होगा तो इसमें यानी इसका अलग अलग नाम रख लिया जाए, इस भुजा की मैं बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में अभी पहले जब मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि इसमें क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, तो जब पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लागू होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो इस भुजा में कर्ण क्या है, ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है क्या कर्ण का स्क्वायर, तो अब देखिए इसमें कर्ण का मान क्या है ए, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है इस बी का आधा है यानी बी बाई टू का स्क्वायर, आप प्लस लंब इसका हमने मान रखा है एच, इसको एच माना है तो एच का स्क्वायर, अच्छा इसके और आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ये बी बाई फोर हो जाएगा और प्लस ई हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल के इस साइड आएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और उधर क्या बचा केवल यच, यच स्क्वायर बचा, यच स्क्वायर इतना बाई फोर। ठीक है, अब देखिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यच का मान निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में इसको लिखेंगे और अंडर रूट चूँकि फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई चूँकि ये चार है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा टू, ये हो जाएगा ऊंचाई का मान, यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि जो समद्विभाव त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी हो गई अंडर रूट में फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू, ये इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई का मान हो जाएगा, तो ये चीज़ होगा। अच्छा इसके अगर इसी आधार पर इसी से हम लोग एरिया निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, समद्विभाव त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल, एरिया यानी कि तीसरा पॉइंट एरिया, तो एरिया क्या होता है जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है वन बाई टू आधार इंटू ऊंचाई होती है, अब देखिए वन बाई टू आधार, आधार इसका क्या है बी भुजा, तो आधार हो जाएगा बी, और ऊंचाई एच, एच का ये वैल्यू है, एच का मान हम ये रखते हैं, तो यच का मान हम यहाँ पर ये रखेंगे
तो ये देखिए इसको यहाँ पर मान रखिएगा, तो अंडर रूट में 4a² माइनस b² बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। तो 2 2 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 2 हो जाएगा 4। तो आगे देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको b/4 कर दीजिए, b/4 और यहाँ अंडर रूट में 4a² माइनस b², ठीक है। ये क्या हो जाएगा एरिया, यानी कि समद्विबाह त्रिभुज का एरिया a = b/4 अंडर रूट में a² माइनस b², और ऊंचाई कहा जाएगा तो अंडर रूट में 4a² माइनस b² बाई 2, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। अगला देखिएगा चौथा है कि विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब विषम अलग हो, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि असमान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, यानी क्या होंगे, एक मान ली ए है, ये ऐसे हो गया, बी हो गया, ये मिलाने वाली सी हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ये अलग सी हो गया, इस तरह के अलग अलग त्रिभुज अलग अलग भुजाएं हो असमान हो तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो असमान त्रिभुज का, अब ये विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप आप जानते हैं 2s एंड ए है, बी है, सी अलग अलग भुजाएं हैं, तो सभी भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा परिमाप। और अर्ध परिमाप s = क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका आधा ये क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट इसमें एरिया की बात किया जाए तो इसका एरिया होगा, तो जो कि यस का मान निकल गया तो मैंने आपको बताया था, याद करिए हीरो सूत्र, अंडर रूट में यस हो जाएगा और यस माइनस इसकी ए वाली भुजा, फिर यस माइनस बी और यस माइनस सी, इससे निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इस पर जो है त्रिभुज के आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन को, तो निश्चित तौर पे जो लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं और उनको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तभी आप दूसरों को शेयर कीजिएगा, दूसरों को सजेस्ट कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और ताकि नया जब हम प्रैक्टिस इसका लेकर आते हैं तो आप इसको अच्छे से एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे वीडियो को एक साथ, फिर इसके बाद से क्वेश्चनों का प्रैक्टिस लेके आऊँगा मैं, अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।